हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट सच। तो दोस्तों, दीपावली कथा। जी हाँ दोस्तों, ये कथा सुनने मात्र से आपकी तमाम परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये कथा सुनने मात्र से भगवान गणेश के साथ महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस कथा के बारे में। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं कथा से। दोस्तों, दिवाली शब्द का अर्थ है रोशनी की पंक्ति। दिवाली को प्रकाश उत्सव के रूप से भी जाना जाता है, क्योंकि दिवाली की शाम को लोग अपने घर के बाहर और अंदर दिए जलाते हैं, फूल और रंग से अपने घरों और दुकानों को सजाते हैं। दोस्तों, इन दियों की रोशनी अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक होती है। प्रकाश का त्यौहार दिवाली प्रतिवर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि पर मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन प्रदोष काल से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। तो दोस्तों, चलिए जानते दोस्तों दिवाली की ये कथा। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक सावकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी, उस पर महालक्ष्मी जी का वास था। एक दिन महालक्ष्मी जी ने सावकार की बेटी से कहा कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ। ये सुनकर सावकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और उसने सारी बात अपने पिता को बता डाली। जी हाँ दोस्तों, दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी जी से दोस्ती करने के लिए हाँ भर दी। दोस्तों, दोनों अच्छे दोस्त बन गई। एक दिन महालक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। दोस्तों, महालक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया और उसे कई प्रकार के भोजन खिलाए। दोस्तों, जब साहूकार की बेटी अपने घर वापस लौटने लगी, तो महालक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि अब तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने महालक्ष्मी जी को अपने घर आने को कह तो दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वो दुखी हो गई। दोस्तों, उसे डर लगने लगा कि क्यों अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। ये सोचकर वो दुखी रहने लगी। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो, चार बत्ती के मुख वाला दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। दोस्तों, पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का नवलख का हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वो हार साहूकार की बेटी के सामने आकर गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से उसे बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में भगवान श्री गणेश के साथ महालक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के घर आई और साहूकार की बेटी ने उनका खूब सेवा की। दोस्तों, उनकी सेवा को देखकर महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके सारे दुख दर्द दूर कर दिए। इस तरह साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, उनके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। तो दोस्तों, इस तरह भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से आपके सारे दुख दर्द दूर होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह गरीबी की हालत अमीरी में बदल गई। तो दोस्तों, इस तरह गणेश और महालक्ष्मी की पूजा करने से रुपए पैसों की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसलिए दोस्तों, दीपावली के दिन भगवान गणेश के साथ महालक्ष्मी जी की पूजा करने से दोस्तों रुपए पैसों की तंगी तो दूर ही होती है, साथ ही सारे दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप भी महालक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, इस तरह से पूजा करने से आपके दुख दर्द दूर होते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जय श्री गणेश जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।